और डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, डॉट 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 अमोक्स टाइम्स वेयर अमोक्स टेंस टू एक्सपेक्ट। जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे और आज हम लोग प्रोबेबिलिटी को फोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। ऐसा कोई भी नहीं होंगे। वॉइस में क्लियर है, आवाज क्लियर है, किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत सुनाई दिखाई में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जल्दी जल्दी लाइक कर देंगे बाबू। 100 लाइक पार करेंगे उसके बाद क्लास हम लोग शुरू करेंगे। कम से कम 100 लाइक तो होना ही चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है हम लोग का। हाँ, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी सीखेंगे जिसमें हम लोग हर कंसेप्ट को सीखेंगे, झकास कंसेप्ट है। जल्दी से जल्दी थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर देंगे, वीडियो को शेयर कर दे छोड़े, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलोगे? 2 मिनट का समय देता हूं, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दें। हां, जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। हां बिल्कुल बिल्कुल, 100 लाइक पुराना है पहले आप लोग को, उसके बाद क्लास हम लोग शुरू करेंगे। चलेंगे, 100 लाइक पूरना चाहिए पहले, जल्दी से जल्दी 100 लाइक पूरा देना है, उसके बाद क्लास को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, चलेंगे, कहीं किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बोलेंगे। हाँ, और ये सेशन आपको लाइव करने हैं, वीडियो प्राइवेट कर दिया जाएगा, आप लोग लाइव नहीं करेंगे तो वीडियो प्राइवेट ही रहेगा। और चलेंगे, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ चलेंगे चलेंगे, प्रायोरिटी हम लोग देखते हैं और प्रोबेबिलिटी हम लोग सीखते हैं। यस सर जी, चलेंगे। अभी लाइक का थोड़ा सा कमी है, थोड़ा सा लाइक बढ़ाओ बाबू, 100 लाइक पूरा करो, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि फिर छूटेगा तो दोबारा आप देख नहीं पाओगे वीडियो को, क्योंकि वीडियो को थोड़ा सा प्राइवेट कर दिया जाएगा। थोड़ा क्या रहेगा प्राइवेट ही, पहला क्लास छूट गया बाबू। जेई मेंस का तैयारी करो, प्रोबेबिलिटी जेई मेंस में आते हैं, हर वो एग्जाम है जिसमें प्रोबेबिलिटी आता है, चाहे वो जनरल कमीशन की बात करें, 11, 12, जेई मेंस, एडवांस, हर एग्जाम में प्रायिकता आता है। ठीक है, 100 लाइक जल्दी दबा के पूरा करेंगे, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। प्रिंस सर कुछ बोले, बोलो बाबू जल्दी, क्या बोलना चाह रहे हो बोलोगे? चलो सर कुछ बोले, जल्दी बोलो बाबू, आवाज में दिक्कत है सर। एनडीए का बाबू, एनडीए में भी पॉलिटी आता है, इसमें सारा कंसेप्ट दिक्कत जो भी होगा सब दूर हो जाएगा। एनसीईआरटी बिल्कुल सारा कुछ हो जाएगा सर जी, ऑब्जेक्टिव वाला सारा। इसमें पहले हमको प्रोबेबिलिटी टॉपिक पढ़ाने दीजिए। चलोगे 100 लाइक जल्दी पूरा होगे, 100 लाइक अभी तक पूरा नहीं है। और लाइव अगर आप लोग नहीं देख पाएंगे तो वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाएगा, लाइव आपको देखने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, लाइव ही आपके पास सॉल्यूशन है। चलोगे? एनसीईआरटी 250 रुपया है बोले थे, वो ऐप पे होगा, उसका भी हम प्रमोशन करने नहीं आए, अभी हम लोग प्रायोरिटी पढ़ाने आए हैं। स्टार्ट कब कीजिएगा सर? स्टार्ट ही कर रहा हूं बाबू। चलो सारा कुछ पढ़ाएंगे धीरे धीरे, अभी प्रायोरिटी पढ़ लो, उसके बाद डिफरेंशिएशन भी पढ़ाएंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय आपको देंगे। ओके चलो, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको समय मिलेगा, इसके लिए टेंशन मत लो। जल्दी से जल्दी लाइक करेंगे, लाइक आपका नहीं है। अच्छा, अरविंद कुमार आज बराती जा रहे हैं सर, नहीं पढ़ पाएंगे, आज का वीडियो प्राइवेट नहीं कीजिएगा बेटा, आज का ही वीडियो प्राइवेट होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, बहुत लोग बराती जा रहे हैं ना। जल्दी से जल्दी 20 और लाइक करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रायोरिटी को शुरू करने वाले हैं और इसके बारे में हम लोग स्टोरी सुनेंगे,
कैसे इसका आविष्कार हुआ, क्यों पढ़ना जरूरी है, इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा। सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी क्लास 12th में अथवा लगा के और जो क्वेश्चन है उसको लगा के कम 12 से 14 से 15 नंबर के बीच इसका चला जाता है बेटी। आप देख लोगे ऑब्जेक्टिव 2 नंबर और 5 नंबर में। फैशन क्या हो गया कि 12th बोर्ड एग्जाम में प्रोबेबिलिटी लगभग 12, 14, 15 नंबर तक चले जाते थे। जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव की जनसंख्या 100 था, अब ऑब्जेक्टिव 60 होंगे, फिर भी प्रोबेबिलिटी 12 से 13 नंबर तो कोई नहीं रोकेगा। 10 नंबर का सिलेबस है, 2-4 नंबर तो अथवा में रहेगा, तो यानी कम से कम प्रोबेबिलिटी आपको 15 से 20 दिन में 12 से 15 नंबर दिलाने के लिए है, आपके पास आएगा। तो प्रोबेबिलिटी को हल्का में नहीं लीजिएगा। और एक डायलॉग है, किसी के हुलिया देख के उसका अंदाज नहीं लगाना है, वरना वो हुलिया बदल देता है। कि इसलिए किसी का हुलिया देख के उसका अंदाज नहीं लगाना है, वो वरना हुलिया आपको बदल देगा। जल्दी करोगे बाबू, 100 को लाइक नहीं पूरा है और ये काफी दिक्कत है, इसलिए 100 को लाइक पूरा करेंगे, उसके बाद क्लास आगे बढ़ाएंगे। 100 लाइक तो कम से कम आप लोग पूरा करें। चलो आगे, 18 को और है, जल्दी करो, पता चलेगा लाइक के चक्कर में आप लोग क्लास को थोड़ा सा लेट करवाते, इसलिए आप लोग लाइक वाइक पहले से करके रखें, जब शेड्यूल लग जाता है तो। और साल 100 लाइक से कम रहता है तो आपको पता है क्लास भी स्टार्ट नहीं होता है। 100 लाइक मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी क्लास स्टार्ट होने के लिए। एनर्जी लगता है लाइव में, तो एनर्जी कहां से मिलेगा, लाइक से मिलेगा। आपको पता है कि आप जब लाइक करेंगे तो एनर्जी मिलेगा और एक जबरदस्त नया कंसेप्ट के साथ हम लोग पॉलिटिक्स सीखेंगे। आप पहले 100 लाइक पूरा करेंगे, इतिहास नया मिलेगा आपको। चलोगे 10 और बाकी है, छोड़ो जल्दी लाइक करो, उसके बाद आगे हम लोग फिरते हैं। कुछ चैट देख लेता हूं। सुमित रंजन, आपका नाम ले लिए बाबू। सर मेरा नाम ले लीजिए, ले लिया। चलो नाम से नहीं, काम हम लोग को करना है, नाम तो खुद ब खुद हो जाता है। चलोगे, गुड इवनिंग, हाँ ओके। ओके सर जी, मैंने लाइक और शेयर कर दिया, बहुत अच्छा। पंकज लाइक और शेयर दोनों किए हैं, गुड मॉर्निंग। धीरज कुमार, गुड मॉर्निंग बाबू। चलोगे, फर्स्ट मुलाकात है तो गुड मॉर्निंग भी चलेगा। चलोगे आगे बढ़े, चलो लाइक पार करो। 100 को लाइक नहीं हुआ, तुम लोग एकदम कहां रहते हो यार। सर अब रोज होगा, हाँ बिल्कुल रोहित कुमार, क्लास रेगुलर होंगे। बस एक चीज दिक्कत हो गया ना यार, कि वीडियो प्राइवेट करेंगे, आप लाइव नहीं देख पाओगे ना, तो वीडियो में दिक्कत होगा, इसलिए कोशिश करना है कि लाइव क्लास करना है, ठीक है। चलोगे 5-6 को। दूसरी बात, आप लोग पहले काम क्या करना है ना यार, कि क्लास ने कब लाइक कर दिए सर, 100 लाइक। सर आई एम लेट, कोई दिक्कत नहीं है। 10 फ्रेंड को सेंड कर दिए सर, रणधीर कुमार, बहुत अच्छा सर, लव यू ऑल बाबू। सर प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स का आता है, मैंने बाबू अभी बोला कि आपके प्रोबेबिलिटी 14 से 15 नंबर इस बार आए हैं, और देखोगे तो 2023 के जब बोर्ड एग्जाम आप दोगे तो कम से कम 12 से 15 नंबर तक चला जाएगा प्रोबेबिलिटी। इसको हल्के में नहीं लेना है, और मैं बार बार बोलता हूं, किसी के हुलिया देख का उसका अंदाजा नहीं लगाने का, वरना वो हुलिया बदल देता है। चलो ओके, 1-2 लाइक और बाकी है, चलो 1-2 को लाइक मारो यार, 100 पूरा करो, उसके बाद क्लास आगे लेके जाएंगे। लव यू बाबू, टॉपर बॉय हो गया, 100 लाइक पूरा, हाँ चलिए 100 हो गया, 101। अब डिफरेंट इत्मीनान से देखेंगे कि एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है क्या, मेरी सेंटेंस को सुनेंगे। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, देखोगे प्रोबेबिलिटी PROBABILITY। अब कुछ लोग बोलेंगे ये ग्रीक शब्द है, यहां से लिया गया, यार ग्रीक शब्द बार बार ग्रीक क्यों बोलते हो यार, ग्रीक ग्रीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का आविष्कार कब हुआ, क्यों हुआ। तो यार प्रोबेबिलिटी का जो आविष्कार हुआ है वो जुआरियों के द्वारा हुआ है, जुआ खेलने से आविष्कार हुआ था। दो गो मित्र थे, वो जुआ खेल रहे थे,
क्या थे बाबू? जुआ खेल रहे थे। तो नहीं बोले कभी किसी को हल्का में नहीं लेना है, कब किससे कोई सीख मिल जाए। देखो यहां पे मैच जुआरी से आ गया। क्या आ गया बाबू? जुआरी से। कुछ लोग, दो दोस्त थे, वो जुआ खेल रहे थे और उनके साथ काफी प्रॉब्लम हुआ और वो बोले एक मैथ्स वाले आदमी के पास गए, मैथमेटिशियन के पास गए, बोले देखे देखे ऐसा ऐसा चांस है, मैंने पैसा लगाया, मैंने ये किया, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। इसे कैसे मैं बोलता, मुझे लाइक चाहिए, लाइक चाहिए, वीडियो को शेयर चाहिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब चाहिए, घंटा दबाइए, मुझे मेरे साथ ये न्याय होगा। उसी प्रकार दो मित्र थे और वो जुआ खेल रहे थे। उनके साथ क्या हुआ, कुछ पैसा, जुआ में क्या होता है, पैसा लगाना, सिंपल सी बात है ना, मनी, और क्या लगा, घर द्वार, मनी, तो एक टाइप का वो मनी है। तो वो जुआ खेल रहे थे तो वो मैथमेटिशियन के पास गए, वो जुआ में कोई हार गया, बोला नहीं हम जीते, कोई बोला हम जीते, काफी क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो गया। तो आखिर कुछ ऐसा टर्म निकाला जाए, इंसाफ मिले, तो कोई पूछ सकता प्रोबेबिलिटी हमारा जुआरियों से स्टार्ट हुआ है, जुआरियों से, जुआ खेलने वाले के कारण प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं जी कि फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी कौन है, आखिर वो जुआरी को सोल्यूशन देने वाले कौन इंसान है, उस इंसान को नमन करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इतिहास पढ़ना जरूरी होता है, और अगर हम जिसने प्रोबेबिलिटी बनाया उसके बारे में अगर हम आपको नहीं बताएं विस्तार से, उसका उपयोग नहीं बनाएं, तो पढ़ने से क्या फायदा। तो मैंने कहा कि फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी कौन है, आखिर जो जुआरी दो दोस्त खेल रहे थे जुआ, और जुआ में ऐसा सिचुएशन हुआ डुक्कम डुक्की वाला कि नहीं मैं जीता मैं जीता, तो चलो इंसाफ करवा लेते हैं अमोक सर से। तो मैं तो अगला जन्म में अमोक सर तो नहीं इंसाफ कर सकते थे ना, उस समय मैं तो था नहीं, तो जो पूर्वज हम लोग के थे उन्होंने इंसाफ किया, और वो पूर्वज हमारे पास है देखेंगे, यानी फादर ऑफ ब्लेज पास्कल। पास्कल का नाम ऐसा कोई इंसान नहीं होंगे, और मैं इनको आदर करता हूं कि इन्हों इंसान ने पास्कल ने ब्लेज पास्कल पास्कल लिखते चलेंगे, फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखते हुए चलना है, यानी फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी ब्लेज पास्कल, यानी पास्कल एक ऐसा है, एक और है पास्कल हमारे, इनको फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। यहां पे दिक्कत है छोटे, बोलोगे, मैं चैट एक बार देख लेता हूं, यहां तक दिक्कत मजा आ रहा है, फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैं चैट एक बार देख लेता हूं आप लोगों को, फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है वो कौन है छोटे, एक सेकेंड मैं आपका चैट, हां क्लियर है, यानी फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी ब्लेज पास्कल फ्रांस के थे, इनका जन्म 19 जुलाई 1623 और इनका देहांत हो गया 19 अगस्त, दोनों तिफाक है, दोनों डेट मिलता 19 जून 1623 19 अगस्त 1662 में पास्कल साहब इस दुनिया को अलविदा कह दिए। इसलिए किसी इंसान को इस बात से सीखते हैं कि किसी इंसान को अपने ज्ञान पे घमंड नहीं करना चाहिए, इतने बड़े इंसान जन्म लिए और इस धरती पे नहीं है तो घमंड किस बात का करनी चाहिए। यहां पे एक हम लोग प्रोबेबिलिटी सीखे और इससे पता चलता है कि इतने महान आत्मा जो हमारे धरती पे आए और वो चले गए। कुछ लोग को अहंकार हो जाता, दो को मैथ्स जान गए, दो को फिजिक्स जान गए, दो को केमिस्ट्री जान गए, तो अहंकार होता, इतने बड़े महान आत्मा आज इस धरती पे नहीं है। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी का जनक हमारे ब्लेज पास्कल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ओके, धीरे धीरे पढ़ाइए, ओके टॉपर, ओके यहां ठीक है, थोड़ा आवाज तेज है, वॉइस धीरे धीरे करूं, नहीं बोलता है, तू तो ऐसे बात बोल रहे हो, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, आवाज तेज है तो मैं क्या करूं दोस्त, आदत बचपन से है थोड़ा तेज बोलने, कोशिश करूंगा आपके कारण मैं अपना आदत बदल लूंगा, और कुछ आपके कारण आदत भी बदल लेंगे, आप ही ने बनाई ऐसी हालत मेरी, आप ही पूछते हैं ये क्या हो गया। ओके, ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी का जनक कैसे हुआ, आविष्कार क्यों हुआ, तो कुछ लोग, दो तीन दोस्त थे वो जुआ खेल रहे थे और उसमें लड़म लड़ी हारम हारी हो रहा था, तो वो मैथमेटिशियन हमारे पास्कल साहब के पास गए, वो सॉरी जुआरी जो था वो पास्कल के पास गए, ब्लेज पास्कल, उनका मदद किए, और इस चीज से हम लोग सीखते हैं कभी भी कितनों ऊंचाई को छू लेना घमंड नहीं करना, क्योंकि तो पास्कल अब इस दुनिया में नहीं रहे जो प्रोबेबिलिटी का जनक है, हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए दोस्त, बोलो नेक्स्ट।
अगला है, ये भी फादर के रूप में माने जाएंगे, क्या है? चेरे दे फर्मेट, ये भी हमारे पास है, ये भी फ्रांस के, ये दोनों दोस्त हैं मेन जो थे पास्कल पियर्डे फर्मेट जो आपके पास है। थोड़ा सा इन लोग का नाम भी लेना, थोड़ा आदर करता हूं लेकिन नाम इतना टेढ़ा, हम लोग तो मोनू गोलू सोनू में उलझे रहते हैं। तो ये भी हमारे पास फ्रांस थे, इनका भी नाम प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, विकिपीडिया देखिएगा तो इनका भी नाम मिलेगा। और इन्होंने प्रोबेबिलिटी के आविष्कार में अपना खूब योगदान दिया, इनको भी फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। इनका जन्म 6 दिसंबर 1607 में और 12 जनवरी 1665 में, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कुछ इतिहास जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जनक कौन है? चलोगे? कोई दिक्कत? ओके, दिक्कत है तो बोलोगे छोटे? हो गया सर, समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है छोटे? बात समझ में आ रहा है? कहीं कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? बता रहा हूं मैं, समझ रहा है ना तू? आगे देखते हैं बाबू। अब आगे जो हमारे पास है, एंटोनी गोम्बार्ड, इन्होंने भी फ्रांस के हैं, एंटोनी गोम्बार्ड, इन्होंने भी प्रोबेबिलिटी में अपना जोरदार समर्थन, इनके बारे में पढ़ेंगे ना तो कौन सा इक्वेशन था, कौन सा कंडीशन था, कौन सा क्वेश्चन था, सारा बात हम लोग सीखेंगे। एंटोनी गोम्बार्ड, इन्होंने प्रोबेबिलिटी का आविष्कार में अपना खूब भूमिका निभाई। क्या है? एंटोनी गोम्बार्ड। तो इनको भी फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, जरूरी नहीं कि फादर एक ही हो, यहां पर यह नहीं कि यह भी योगदान दिए हैं और इनको भी, एंटोनी गोम्बार्ड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आयुष कुमार, देखिए ऐसा नहीं बोलेंगे, देखोगे ये एक, इन्होंने ऐसा नहीं, देखोगे एक जो लिख रहे हैं विनीत विनायक साला सब फ्रांस से ही, देखो छोटे ऐसा बात नहीं करेंगे, फ्रांस यार पूरा दुनिया हम लोग का परिवार है, एक छोटा सा दिल वाला अपना घर को परिवार मानता है और प्रत्येक भारतवासी का दिल बहुत बड़ा है और पूरे संसार को अपना परिवार मानता है। जिसका छोटा दिल होता है उसके घर का आदमी ही परिवार मानता है, लेकिन भारत आदमी एक ऐसा है, एक भारत ही पूरे दुनिया में ऐसा है कि पूरे दुनिया को परिवार मानता है। इसलिए फ्रांस का कहीं का हो हम अपना परिवार मानते हैं सभी को, इसलिए किन्हीं के नाम का नमन करेंगे ऐसा सेंटेंस ना बोले, इनका आदर करेंगे ना। ये थे, इन्होंने अपने मैथ्स को अपने तक सीमित रखा, अगर ये ना होते तो आज प्रोबेबिलिटी हमारी दुनिया अंधेरा होता बाबू, इसलिए सभी का आदर करना है। हा, इटली का देखोगे गेरोलामो देखेंगे, ये भी प्रोबेबिलिटी में अपना खूब योगदान दिए, देखेंगे 1501, 24 सितंबर 1501, 21 सितंबर 1576, जब आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में तो इन लोग का नाम आता है, एक दो का नाम नहीं कि इन्होंने कुछ किया, इन्होंने कुछ किया, इन्होंने कुछ किया, इन्होंने कुछ किया, तो बहुत सारे का नाम आता है, एक दो ने कुछ बोलेंगे सर इतना फादर कैसे हो गया, अरे बाबू कुछ आविष्कार वो किए, कुछ ये किया, कुछ वो किया, कुछ वो किया, तब जाके संपूर्ण हो पाता है, अकेले कुछ कर पाएगा यार? इसीलिए इनका भी नाम आता है गेरोलामो कार्डानो। ये हमारे इटली के थे, ये हमारे इटली के हैं, इनके बारे में भी थोड़ा देखेंगे, ये आपके इंसान है, काफी मेहनती है जो हम लोग को प्रोबेबिलिटी हम लोग को दे गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे बाबू ले सकते हो, आगे हम लोग फिर चलते हैं। अब कहता है जी कि प्रोबेबिलिटी इन आवर डेली लाइफ, हमारे प्रोबेबिलिटी जो है हमारे दिनचर्या में क्या उपयोग लाता है, हमारे दिनचर्या जो है डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी का क्या योगदान है, क्यों पढ़ा जाए प्रोबेबिलिटी? तो मैं बोलता हूं क्यों ना पढ़ा जाए प्रोबेबिलिटी, लोग नहीं बोलते, आजकल टिकटॉक रील्स बनता है छोटे, बोलेगा अलजेब्रा कैलकुलस कहां यूज होता है, सबको पढ़ा देता फला, अरे बाबू तुम पढ़े नहीं हो, हर जगह यूज है, जहां जाओगे प्रोबेबिलिटी को पाओगे,
हर जगह परछाई के जगह परछाई की तरह ये साथ चलने वाला है। तो आगे हम लोग नोट करेंगे प्रोबेबिलिटी इन आवर डेली लाइफ, हमारे दिनचर्या में प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कहां करेंगे। अब कहता है देखोगे, पहला हम लोग देखते हैं मौसम पूर्वानुमान। हम लोग जो मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं यहां भी प्रोबेबिलिटी का देखोगे, ये देखेंगे अभी कल बारिश होगा नहीं होगा, एक गाना सुने होंगे जरा थम के बरस मुझे महबूब के पास से जाना है, देर से पहुंची तो मुझ पे बरसेगा वो। तो अरे भाई पूर्वानुमान लगा लेंगे कि आज बारिश होगा कि नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी है तो थम के बरस नहीं बरस गाना क्यों गा रहे हो, जब बारिश छूट जाएगा तब जाना। क्या कोई दिक्कत है तो बोलोगे, दिक्कत है पूर्वानुमान लगाने में, देखोगे कहीं कोई दिक्कत है तो बोलोगे। दिक्कत है तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल पूर्वानुमान, मौसम के पूर्वानुमान, बारिश होगा नहीं होगा, टेम्परेचर, आजकल हमारे वैज्ञानिक बताते हैं लू चलेगा, कल बारिश हो जाएगा, पूरा अंधेरा छा जाएगा, ये होगा घना सा बादल छाएगा, ये होगा वो होगा, तो ये सब चीज में हम लोग प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप लिख लेंगे, मौसम पूर्वानुमान में हम लोग प्रायिकता का इस्तेमाल करते हैं, प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, अब कहते हैं भाई साहब देख लीजिए इनको तो चिंते होंगे, इनको कौन नहीं चिंता है भाई, ये बोलता है मैं खेल देखता हूं विराट कोहली का और फैन हूं अनुष्का शर्मा का। तो देखेंगे ये आपके जो टॉस कर रहे हैं भाई साहब सिक्का उछाल, तो ये जो सिक्का उछाल रहे हैं हेड आएगा या टेल आएगा, यहां पर भी हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, प्रोबेबिलिटी का। जहन में डाल लेना है कि प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो उसका इस्तेमाल कहां होगा, कोई पूछेगा तो आप उसका जवाब दे सकते हो, रट्टू मल नहीं बनना है, समझना है कि ये पढ़ रहे हैं ना तो कहां यूज करेंगे। तो बाबू यहां जो खेल होता है तो नहीं बोलता कि इस बार का लग रहा अनुमान इंडिया जीतेगा टॉस, हजार बार से जीतते आया है, 200 बार इंडिया जीता है, लगता है पाकिस्तान जीतेगा, बांग्लादेश जीतेगा, भूटान जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया, तो क्यों इसका एक चांस संभावना निकाला जाता है, यानी खेल में हम लोग प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखेंगे गर्भ में बच्चे का लिंग, देखोगे ये जो आपके पास एक शिशु कितना प्यारा क्यूट बच्चा है, देखोगे अब देखोगे हमारे पास भारत सरकार ने क्या किया कि आजकल देखते होंगे कि पेट में क्या बच्चा अल्ट्रासाउंड से बता देता था कि लड़का है या लड़की, इस पे रोक लगा हुआ है, रोक होना भी चाहिए यार, जो भगवान दे दे उसको एक्सेप्ट करेंगे लड़का हो या लड़की हो। तो गर्भ में क्या बच्चा नहीं बोलता ना इस बार फलनवा के बेटा होगा, नहीं लगा है बार यो बेटी होगा, तो ये क्या है एक अनुमान लगाना है। तो यहां पे भी गर्भ में क्या पेट में किसी का बच्चा है भाई, तो क्या है पता है क्या पता है, तो यहां पे क्या करेंगे एक चांस है संभावना है कि फलनवा के पहले 4 गो लड़का हो ले हल, ओकर दादाजी के 6 गो लड़का था, इस बार भी संभावना है कि गोलू होगा या फिर मोलू होगा, चिंकी होगा कि मिंकी होगा, या चिंकी मिंकी दोनों होगी। देखेंगे एक लिख रहे हैं कि नेट खत्म करवा रहा, बेटा नेट खत्म नहीं करवा रहे हो, तुमसे बेटा अगर पूछेगा कि यूज कहां करोगे, बेटा पढ़ाई तो कोई भी क्वेश्चन बनाना पढ़ाई नहीं है, उसके लिए तो तेरे नाम है ये है। एक बेटा बोल रहे हैं कि पढ़ाए, तो देखोगे यहां पर क्या एक बच्चे बोले कि सर का नेट खत्म करवा रहा, बेटा नेट अगर लग रहा है ना तो जाके वीडियो देख लो, बहुत सारे लोग हैं उनका वीडियो देखोगे बेटा वो तुमको ज्ञान देंगे, यूज नहीं जानोगे बेटा चल दिए हैं, कट्टा दे देगा यूज तुमको पता नहीं कट्टा कैसे चलता है, गोली बंदूक दे देगा फौजी बना देगा, चलाना जानोगे कहां चलाना है, गोली बंदूक दुश्मन पे चलाना है नागरिकों पे नहीं चलाना है, ये चीज सिखाया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो बैड एलिमेंट है उन्हें पता नहीं कि गोली कहां चलाना है, गोली बंदूक ले लिया कट्टा लहरा रहा है, नहीं गोली बंदूक चलाना है किस पे, दुश्मनों पे, बॉर्डरों पे चलाना है, अपने नागरिकों पे नहीं, आम नागरिकों पे नहीं, युद्ध जानना है। बेटा कुछ भी बोल देते हो ये सब होगा, एक दो को तेरे नाम का एजेंट होंगे। गर्भ में बच्चे का लिंग, अब तुमको पता नहीं यार यहां युद्ध क्या होगा, प्रायिकता युद्ध हो रहा है, धीरे धीरे चल आगे देखते हैं। अब कहता है कि रक्त का नमूना, अभी हम लोग कोविड टेस्ट करते थे तो आप देख रहे थे जी कि फोर्थ वेव आएगा या नहीं आएगा,
फिफ्थ वेव आएगा कि नहीं आएगा, थर्ड वेव आएगा कि नहीं आएगा। अरे बाबू तुमको कैसे निकालोगे कि थर्ड वेव नहीं आएगा, किसका इस्तेमाल करोगे? प्रोबेबिलिटी एक खतरनाक टॉपिक है। रक्त के नमूना लेता था, नकिया में भी टेस्ट करता था, वो टेस्टिंग क्या था? एक संभावना है कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतने परसेंट लोग कोविड पॉजिटिव हैं। हाल फिलहाल हो रहा था, वहां तुम यूज कर रहे थे, वहां ज्ञान था किसका? प्रोबेबिलिटी का, कि संभावना है कि फोर्थ वेव नहीं आएगा। क्यों संभावना लगाया गया? आज तक पता था कि कोविड का सेकंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा, फोर्थ आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके लिए समझना पड़ता है छोटे। तो रक्त का जो नमूना है, यहां पर कह सकते हो कोविड टेस्टिंग में भी हम लोग प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किए कि हमारे इतना लोग कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, चाहे होने वाले हैं, वेव आएगा या नहीं आएगा, यहां प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होगा। बहुत सारे तुम टॉपिक पढ़ते हो लेकिन तुम्हें यह पता नहीं होता कि इसका यूज कहां होगा। जब तुमको पता ही नहीं किस चीज का कहां यूज होगा तो पढ़ते किस लिए हो गोबर? कुछ गोबर आ जाते हैं। हाँ बाबू वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है, थोड़ा क्या करें, थोड़ा सा बढ़ा लो 360 पे देखो। फिर कहते हैं कि राजनीति हमारा है, ये देखेंगे, इनको सब चिंते होंगे। ये जो लोग हैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में प्रोबेबिलिटी खूब इस्तेमाल होता है कि कहां सरकार किसका बनेगा, नहीं बनेगा, इनका बनेगा, राहुल जी का बनेगा, अखिलेश जी का बनेगा, राजद का बनेगा, तेजस्वी बनेंगे, नीतीश कुमार बनेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, चाहे राष्ट्रपति, यानी पॉलिटिक्स राजनीति में हमारा प्रोबेबिलिटी का खूब इस्तेमाल होता है। प्रोबेबिलिटी में हमारा खूब इस्तेमाल होता है किसका बाबू? राजनीति में प्रोबेबिलिटी का खूब इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं यातायात के संकेत में। यातायात के संकेत में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रैफिक सिग्नल। यातायात के संकेत में हम लोग प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। यातायात के संकेत में, सिग्नल में, सब सिग्नल, सब फाटक छोड़ के ये सब जो सारा कुछ है, इसमें हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं छोटे? प्रोबेबिलिटी का। क्वालिटी बढ़ा लो ना, ठीक ठाक दिखाई देगा छोटे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा लेंगे, मजा आ रहा है सर, ठीक है। तो ट्रैफिक सिग्नल जो हमारे पास है, यातायात के जो संकेत हैं, यहां पर हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करेंगे बउआ? ट्रैफिक सिग्नल है, यातायात संकेत में हम लोग प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो मोटा मोटी हम लोगों ने बहुत सारा चीज सीखा कहां कहां प्रोबेबिलिटी का यूज हम लोग करते हैं। अब आता है डिफिनीशन, परिभाषा। अब हम लोग आते हैं कि प्रायिकता कहते किसे हैं। डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, परिभाषा डिफिनीशन इसको कहता है, कहता है किसी घटना के होने की संभावना को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घट जाने की संभावना को, क्या लिखा हूं, किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता सम्यक्ता कहते हैं। सांख्यिकी, गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में इसका बहुत उपयोग होता है, बहुत उपयोग होता है। यानी हम किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। द लाइकलीहुड ऑफ चांस ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इसको आप लोग नोट करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। किसी घटना के होने की संभावना को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसका उपयोग सांख्यिकी, गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। चलेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ रेगुलर क्लास होगा बाबू सोनी, रणधीर कुमार सोनी, रेगुलर क्लास होगा शाम 7 बजे से, बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़े, आगे हम लोग देखते हैं छोटे। अब हमारे पास है एक एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। कुछ डिफिनेशन देखते चलेंगे। कहता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छ प्रयोग, कहता है एक्सपेरिमेंट इन भी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कहता ऐसा प्रयोग, यादृच्छ प्रयोग का मतलब कहता है
कि ऐसा प्रयोग जिसका एक से अधिक संभव परिमाण हो, मतलब कोई चीज आप कर रहे हैं तो मान लेते हैं खाली लड़का हो रहा है तो लड़का हो रहा है, लड़का हो रहा है, एक से अधिक संभावना है कि लड़की भी होगा, हो सकता है बीच वाला भी हो सकता है, तो एक से ज्यादा परिणाम आ सकता है। ऐसा नहीं कि केवल पानी है तो पानी 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 हो गया ना, गाना ना चल रहा पानी पानी, दूध भी होना चाहिए, केवल पानी पानी ना, प्याज भी होना चाहिए, आलू भी होना चाहिए। मतलब क्या कहता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छिक प्रयोग जिसको कहते हैं, ऐसा प्रयोग जिसका एक से अधिक संभव परिमाण हो, एक से अधिक परिमाण हो, दो भी हो सकता, तीन भी हो सकता, चार भी हो सकता, तथा परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती। उसे परिणाम पहले ही बता देंगे ना, ये फलना के लड़के होगा ना, लड़की भी हो सकता, पहले से पूर्वानुमान हम नहीं लगा सकते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहेंगे, कहता है ऐसा प्रयोग जिसका एक से अधिक संभव परिमाण हो, वैसा एक्सपेरिमेंट कहता है इट शुड हैव मोर देन वन आउटकम्स, मतलब एक से अधिक परिमाण हो। दूसरा कहता है आउटकम्स आर नॉन प्रिडिक्टेबल, पूर्व घोषणा नहीं कर सकते हैं हम लोग, पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि क्या होगा, पहले से जानकारी मुझे नहीं हो, और एक से अधिक परिणाम हो। मेरी बात को समझिएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट यादृच्छिक प्रयोग वैसा प्रयोग जिसमें हमारा कोई प्रयोग हो रहा है उसमें परिमाण जो हमारा है एक से अधिक हो। मान लेते हैं कि और पहला एक से अधिक परिणाम हो, दूसरा मुझे पहले से यह पता नहीं हो कि क्या होगा, जैसे कि किसी का कोई घर में बाप बनने वाला है, कोई मां बनने वाली, बच्चा एक होने वाला, किसी के घर में एक नया फैमिली आने वाला है, तो क्या होगा, लड़का हो सकता है या फिर लड़की, परिणाम क्या है, दो, यहां पर परिणाम क्या है, दो है कि लड़का होगा या लड़की होगा, एक परिणाम यह है लड़का लड़की दोनों जुड़वा भी हो सकता है, एक परिणाम यह है भगवान ना करे किसी को ऐसा हो, बीच वाला भगवान ना करे किसी को ऐसा हो, तो अब मुझे यह भी पता नहीं है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगा। तो यह जो प्रयोग हो रहा है, बच्चा का जन्म लेने वाला जो प्रयोग है वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसे एक पासा को उछाल दिए तो क्या आ सकता है, एक भी आ सकता है मुझे पता नहीं है, दो भी आ सकता मुझे पता नहीं है, तीन भी आ सकता मुझे पता नहीं है, चार भी आ सकता आपको भी पता नहीं है, पांच भी आ सकता मुझे पता नहीं आपको पता नहीं है, छह भी आ सकता, यानी परिणाम कितना है, एक पासा को उछालेंगे तो परिणाम कितना है, छह। पहले से पता है कि क्या आएगा, नहीं, इसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा, एक क्वाइन को उछाल दीजिए, एक क्वाइन को उछाल देंगे तो क्या आएगा, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता, आपको पता है कि क्या क्या आ सकता है, नहीं, पहले से पता ना हो कि क्या आएगा। दूसरा, परिणाम एक से ज्यादा आना चाहिए, इसे क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छिक प्रयोग। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, हो गया सर। देखो, एक आदमी हमको बोल रहे हैं कि एक के बार में तीन चार टॉपिक है, मेरे पास कैलकुलस चलता बेटा चार दिन में, चार दिन सप्ताह में कैलकुलस चलता है, दो दिन अलजेब्रा चलता है, एक दिन वेक्टर्स चलता है, एक दिन पॉलिटी चलता। अरे बाबू, मल्टीमीडिया है ना, कैलकुलस चलेगा छह सात महीना, तो छह सात महीने तक दूसरा टॉपिक नहीं पढ़े, गजब आदमी है। एक के साथ तू शर्ट पैंट जंघिया पहन लेता है, गधा है कारे, एक वो खाली धोती है पहन ले रहा, गजब आदमी है, फुल पॉइंट है कारे, अरे गधाबा के बोला रे, एक बोला था एक के बार में सब पढ़ाता है, तो अरे एक के बार में हम जंघिया पहनते हैं, फुल पॉइंट पहनते हैं, जींस पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, और ठंडा का मौसम हो तो मोफलर सूटर सब न रखेंगे रे, एक के बार के अलग अलग रखेंगे, गधा आदमी है, एक के दिन में सब पढ़ा रहे हैं, कैसा कैसा भोचू है। क्राइस्ट कोर्स स्टार्ट होगा तो बताएंगे, बिहारी है सर, कहां से, हाँ अरे कौन है ये लोग जो ऐसा ऐसा बात बोलते हैं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं आपको भी पता है, कौन भेजता है आपको भी पता है, और कौन ये सब लिखवाता है
वो तुम भी समझ रहे हो और ये हम भी समझ रहे हैं। पहला लिख लिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट या दृच्छ प्रयोग, ऐसा प्रयोग जिसका परिमाण दो हो, मतलब रिजल्ट दो गो आना चाहिए, एक गो नहीं, और पहले से पूर्वानुमान नहीं होनी चाहिए। दो कंडीशन को फुल फिलअप करेगा, दो कंडीशन को मानेगा, वही रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, वरना नहीं। मुझे पता है कि लड़का होगा, नहीं पता नहीं होना चाहिए, पता चल गया तो गड़बड़ है, नहीं रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट उसे कहेंगे जिसमें परिमाण दो हो और पहले से पता नहीं हो। अरे गलती बलाओ क्या करेंगे, उसको हम डिस्ट्रिक्ट कर देंगे। लाइक करो, वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है तुम लोग, अब बकैती करेगा। अभी तक 150 लाइक नहीं हुआ है, लाइक ठोको। कितना लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गए, सब लोग हाथ देगा, सब लोग हाथ। कितना लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गए हैं, कितना लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गए हो, जल्दी बोलो। चलेंगे, हाथ हाथ देंगे सभी लोग। आदित्य कुमार समझ गया, प्रिंस कुमार समझ गया, रेखा कश्यप समझ गया, सर शिवम को बुलाओ, अच्छा बिल्कुल सही सर, हम समझ गए हैं, धीरज के समझ गया है, अमरजीत हम चलेंगे, हम सर मैं नहीं समझा, रोशन कुमार नहीं समझे हैं, पंकज कुमार नहीं समझा है, चलोगे। देखो बेटा एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं समझाने के लिए। कहता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट या दृच्छ प्रयोग, वैसा प्रयोग जिसका एक से अधिक संभव परिमाण हो। परिमाण का मतलब क्या, रिजल्ट। जैसे कि आप एक सिक्का को उछालते हो तो क्या आता है, हेड आता है, और क्या आता है, टेल आता है। आपने सोले में एक देखा था सिक्का, सोले में किसके पास, अमिताभ बच्चन के पास सिक्का था, उसके दोनों तरफ क्या था, हेड। अगर हम उसको उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड। तो वो प्रयोग जो हो रहा है ना, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर उछालेंगे तो हेड आएगा। परिमाण कितना होना चाहिए, परिमाण दो होना चाहिए, कम से कम एक से अधिक होना चाहिए, दो, कम से कम दो। तो सोले वाला जो सिक्का था उसमें क्या है, हेड या टेल नहीं था, केवल हेड था। इसलिए वैसा एक्सपेरिमेंट जिसको आप जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें परिमाण दो आना चाहिए और पहले से पता नहीं हो कि क्या आएगा। पहला, रैंडम एक्सपेरिमेंट, परिमाण एक से अधिक हो, मतलब जो आने वाला चीज है वो एक से दो हो। जैसे कि किसी के घर में बच्चा होगा तो लड़का होगा लड़की होगी, यही चीज होगा ना भाई, लड़का लड़की दोनों हो सकता है, जुड़वा होगा तो कुछ और कंडीशन, और क्या होगा आपको है पता नहीं, तो इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए, एक सेकेंड आगे बढ़ा जाए छोटे। एक सेकेंड, एक दो को जरा ब्लॉक मार दूं। बकैती, कुछ लोग इतना बकैत आ गए हैं ना कि कुछ ना अपने करना है दूसरे को करने देना है, बकायतों की कमी नहीं है। चलेंगे, आगे बढ़े, यहां तक समझ गए होंगे। अब कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है छोटे, इसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है, उसको हम लोग देखेंगे। चलो, रैंडम एक्सपेरिमेंट में मतलब कहता है कि एक डाइस को उछालेंगे, एक पासा, तो एक पासा को उछालिएगा बब्बू तो क्या आ सकता है। एक पासा अगर आप उछालते हैं तो आपके पास क्या आ सकता है, उसे आप लोग बोलेंगे बाबू। एक पासा को
एक पासा उछालते हैं तो क्या आएगा? एक पासा उछालेंगे तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है। क्या कहता है? एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसका उदाहरण है छोटे? एक पासा उछालेंगे तो एक आएगा, दो आएगा। यादृच्छ प्रयोग हमारा क्या है? एक पासा को आप उछाल दीजिए, या दो पासा को उछाल दीजिए, तीन या एक लाख पासा को उछाल दीजिए। तो हमारा जो परिणाम आएंगे, हमारे जो आउटकम्स आएंगे, परिणाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आउटकम्स जो आएंगे वो क्या आएगा? वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, या फिर सिक्स आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। और मुझे यह भी पता नहीं है कि क्या आएगा। सबसे खास बात कि परिणाम कितनी होनी चाहिए? एक से अधिक। और आपको यह भी पता ना चले कि क्या आने वाला है, उसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छ प्रयोग। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक पासा को आप उछालेंगे। आगे देखते हैं, क्वाइंस को उछालते हैं। क्या कहते हैं? क्वाइन को उछालेंगे। तो क्वाइन को उछालेंगे, एक क्वाइन या दो क्वाइन, तो आपको क्या मिलेगा? एक क्वाइन को उछालेंगे तो हेड मिलेगा, टेल मिलेगा। अगर ये फेयर क्वाइन है, क्वाइन को उछालेंगे तो क्या मिलेगा? हेड मिलेगा छोटे, या फिर टेल। कम से कम आपका परिणाम कितना है? दो है। और ये भी पता है कि हेड आएगा या टेल, आप लोग को पता नहीं? वो 22 तारीख को खुलेगा, 22 नहीं 23 तारीख से, 23 तारीख से। अभी 11th का छुट्टी हो गया, 11th का एग्जाम का। डियर स्टूडेंट्स, नेटवर्क इशू हो जाने के कारण देखोगे अब चल रहा है वीडियो, अब चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था छोटे, चल रहा है ना? क्या हो गया सर? बाबू नेटवर्क इशू हो गया था, अब वीडियो चल रहा है। देखो रिकनेक्ट हो रहा था, देखोगे? यस सर, ठीक है सर, क्लियर है, ओके, आगे आ गया। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था छोटे, इस कारण थोड़ा, और पता नहीं, हम तो चाहे बहुत, ठीक है सर, क्लास ओके। तो अब हम लोग देख रहे थे बाबू कि रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास था कहां तक हो गया था? रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लिए थे, रैंडम एक्सपेरिमेंट यादृच्छ घटना जो हम लोग के पास था, प्रयोग था,
वो हम लोग देखे थे, वैसा प्रयोग जिसमें परिमाण एक से अधिक हो और पहले से मुझे पता नहीं हो कि क्या होने वाला है, उसे हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छ प्रयोग कहते हैं। ये हम लोग सीखे थे, उसी का हम लोग उदाहरण देखेंगे। क्वाइंस को उछाल रहा है विराट कोहली, तो क्या आएगा या क्या नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं है, और इसका परिणाम एक से अधिक आएगा, परिणाम एक होगा, हेड होगा या फिर टेल होगा। सेकंड हमारे पास देखेंगे, एक खूबसूरत है महिला है आपके पास, ये कार्ड ली हुई लेडीज है और ये एक बामन पत्ती में से कार्ड को निकालती है। देखोगे ये कार्ड हमारे पास है, बामन पत्ती का होता है जिसमें जोकर भी रहते हैं, और ताश इतना खराब चीज है कि जो बनाने वाला था वो खुद जोकर बन गया। ताश तो गांव घर में बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन ताश का हिस्ट्री क्या है बाबू, जो ताश बनाया वही जोकर बन गया। दिखता है ताश में जोकर भी रहता है, तो जोकर कौन है, जो बनाया ससुरा वही जोकर हो गया है। तो एक ताश की पत्ती वो निकालती है, अब उसे पता नहीं है ना कि वो कौन है, परिणाम तो बामन है, बामन में से भी कोई एक आ सकता है, तो क्या आएगा ये आपको तो मालूम नहीं है, परिणाम अधिक है, एक से अधिक है, और क्या आएगा पूर्वानुमान हम लोग के पास नहीं है। तो ये जो घटने होंगे, ये जो एक्सपेरिमेंट होगा, सॉरी ये जो प्रयोग होगा, उसे क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छ प्रयोग, यादृच्छ प्रयोग, इसे क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट यादृच्छ प्रयोग। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, फिर हम लोग क्या करते हैं, हाँ अब हम लोग यहां तक ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट तक हम लोग क्लास कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग सैंपल स्पेस और कुछ सेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, कुछ सेट ऐसे कुछ देख लेते हैं, थोड़ा सा 8-6 हो गया ना, ओके। आगे ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलोगे बाबू, ओके सर। यहां तक कहीं कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कहीं कोई दिक्कत, कितने लोग समझ गए हैं? नहीं सर, और क्लियर है, और वीडियो को देख लीजिएगा, और फिर हम लोग कल से आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा 5 मिनट अगर और समय दे दो तो मैं कुछ पढ़ा देता तो ठीक था, ऐसे कल ही पढ़ाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल थोड़ा सा सेट का जानकारी आपको देंगे, उसके बाद हम लोग सैंपल स्पेस से आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, सैंपल स्पेस से आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। कल से रेगुलर रहिए, आज के लिए इतना ही रखता हूं, क्योंकि आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया ना, बीच में मजा किरकिरा कर दिया, और आप लोग लाइक पहले से करके मिनिमम 100 लाइक करना है, ठीक है। फिर मिलता हूं, और बाकी एक नोटिस है कि आपके कोई भी भाई बंधु अगर भागलपुर ब्रांच में हमसे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो 11th का बैच है सुबह 8 से 9 और 9 से 10, दो बैच अभी चल रहे हैं, तीसरा कुछ दिन बाद आएंगे, तो दो बैच चलते हैं सुबह 8 से 9 और 9 से 10 11th का न्यू बैच है। आज के लिए बाबू इतना ही, फिर मिलता हूं कल, तब तक के लिए वाय वाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।